दोस्तों नमस्कार, बेसिक्स नॉलेज चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम आपके लिए आज लेके आए हैं एक ऐसा वीडियो जिसमें काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत रहती है। मैंने काफ़ी जगह ये देखा है, जब भी कोई कंप्यूटर या लैपटॉप लेके आता है नया, उसको ये आइडिया नहीं होता है कि ये आइकन कहाँ से आते हैं, कहाँ दिखते हैं, कैसे जाएंगे। काफ़ी लोग उसमें दिक्कत फेस करते हैं। मैं उनका लैपटॉप देखता हूँ, उनका कंप्यूटर देखता हूँ, तो मैं उनको बताता हूँ इन चीज़ को हटाते क्यों नहीं हो, तो उनको पता ही नहीं होता है कि ये आइकन होते क्या है और ये बटन हटते कैसे हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा, ये डेस्कटॉप की जो स्क्रीन है इसके ऊपर जब भी विंडो इंस्टॉल्ड होता है, विंडो 10, विंडो 7, तो ये नीचे वाली जो लाइन्स होती है उसको टास्क बार बोलते हैं। टास्क बार, ये नीचे वाली आपको दिख रही होगी, ये टास्क बार है। अब इस टास्क बार में काफ़ी प्रोग्राम्स ऐसे खुले रहते हैं, मतलब कि अब इन प्रोग्राम्स को आपको बंद करना, तो क्लोज़ कर दिया आपने। पर ये चीज़ें जब आपने देखा होगा, इस पर क्लिक करते हैं तो ये चीज़ें, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो प्रोग्राम खुल पड़ेगा। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं कि इन प्रोग्राम की उनको रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। जैसे कि मैंने ये फोल्डर खोला तो ये फोल्डर में खूब सारी चीज़ें खुल गई, पर ये इतना स्पेस एक्स्ट्रा ले रहा होता है। फिर कुछ लोग जाके कुछ और प्रोग्राम खोलते हैं, ठीक है, तो कुछ और नीचे फोल्डर बन जाता है, नीचे आइकन बन जाता है, ठीक है। तो ये नीचे नीचे आइकन बनते रहते, क्रॉस होते रहते, पर इन आइकन्स को आपको हटाना है। कैसे हटाते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले तो पहले बता दूं मैं आपको, इसको टास्क बार बोलते हैं और ये सारे है ना प्रोग्राम्स के शॉर्टकट्स बटन होते हैं जिनको मेन्यू बटन्स बोलते हैं। आप देखेंगे तो इनकी जगह देखो, आप इनको मूवमेंट करेंगे, आप यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, मूव कहते हैं ना, मुझे यहाँ आगे लेके जाना है, पीछे लेके जाना है, आप कहीं से भी कहीं, पहली बात मूव करा सकते हैं इनको। ये सीख लिया मूव कैसे कराते हैं बटन्स को। अब उसके बाद उस बटन्स को, जिसको अपन मेन्यू बटन्स या फिर कह सकते हैं, इस बटन को पिन या अनपिन करना। काफ़ी जने सुनते हैं पिन या अनपिन। पिन मतलब कि ऐड करना, अनपिन मतलब कि पहले आप ऐड करना सीखे, इस पर बटन ऐड कैसे करते हैं। जैसे कि एक प्रोग्राम है मान लो, जिसको मुझे ऐड करना है, नीचे ये अभी बटन है, मैंने इसको यहाँ से खींचा और मैंने यहाँ ऐड कर दिया, आप देखेंगे नीचे ये ऐड हो गया, इसको बोलते हैं पिन करना, ठीक है। अब इसको रिमूव करना, आप जैसे क्लिक करेंगे, ये कोई प्रोग्राम खुला हुआ नहीं है, शॉर्टकट्स बटन है। अब इनको रिमूव करना आपको, तो रिमूव करने के लिए कुछ नहीं करना दोस्तों, आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के डेस्कटॉप, मोस्ट ऑफ चीज़ें ये लैपटॉप में मिलेगी, काफ़ी जगह विंडोज़ 10 में या 7 में डेस्कटॉप पे भी मिलती है जब विंडो इंस्टॉल्ड करता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है और नीचे लिखा हुआ अनपिन प्रोग्राम फ्रॉम टास्क बार, यहाँ क्लिक किया ये रिमूव हो गया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया ये रिमूव हो गया, मैंने यहाँ क्लिक किया रिमूव किया। अब मैं सारे क्लिक राइट्स क्लिक कर रहा हूँ, याद रखना दोस्तों, राइट क्लिक करना है यहाँ पे, राइट क्लिक, राइट क्लिक करेंगे फिर ये अनपिन आएगा, उस पर लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक करेंगे अनपिन आएगा, उस पर लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक आएगा, उस पर अनपिन आएगा, लेफ्ट क्लिक। ये देखिए सारी टास्क बार खाली हो गई है। अब क्या होता है, जब भी आप कोई प्रोग्राम खोलेंगे तो ये फिर नीचे विंडो आपके लिए स्पेस बनाएगा, ये मेन चीज़ है आप लोगों के लिए दोस्तों। काफ़ी जने दिक्कत फेस करते हैं, फिर भी इसको हटा नहीं पाते, मैं उनको पूछता हूँ कि हटाया क्यों नहीं, उनको पता ही नहीं होता है। तो टास्क बार से प्रोग्राम्स बटन को अनपिन या पिन करना या रिमूव करना कैसे है, ये आपको वीडियो कैसा लगा, इससे आपने क्या सीखा। इस चैनल बेसिक्स नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे वीडियो को फॉरवर्ड करें, शेयर करें, उनको बताएं कैसे हटता है, ताकि आप लोग अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन को एकदम क्लीन और नीट रख सकें, अपने यूजेज के प्रोग्राम को पिन करें, उसको यहाँ पे लगाएं। धन्यवाद। आपको कैसा लगा ये वीडियो, मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, खूब सारे वीडियो आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।